A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में. आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर महत्वपूर्ण गैसें यानी इम्पॉर्टेंट गैसेस का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले. तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले पार्ट टू में मैंने आपको इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, ठीक है. तो पार्ट टू में हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करना है. तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दिया क्या हुआ है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 है. यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है. आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पीला रंग, ठीक है. यानी अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को पीला रंग देती हैं. तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं. अब यहाँ पे बात आई है अमोनिया की, तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला आपका होता है NH3. ये भी आपको याद कर लेना है. उसके बाद लिखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला आपका होता है O2, ठीक है. तो ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. केमिकल फॉर्मूले आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको केमिकल फॉर्मूले अक्सर बताया करता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यानी पीला रंग, ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 32 जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है. ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है. और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी Fe. कौन सा उत्प्रेरक है? आपका Fe उत्प्रेरक है. अब यहां पे Fe लिखा हुआ है, आखिर Fe होता क्या है? तो Fe हमारा होता है लोहा, ठीक है. हम लोहे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी आपको ध्यान देना है, लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो यहां पे आपको Fe की जगह लोहा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है. तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोहे को ही हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक होता है? आपका Fe होता है, यानी लोहा होता है, ठीक है. ये आपको ध्यान देना है. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो एक ही साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन जो हमारा 31 था ये भी आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया था, ठीक है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो चैप्टर आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा. अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है. यहाँ पे आपकी एक रिएक्शन लिखी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिक्रिया FeCl3 प्लस H2O प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे X लिखा हुआ है, गेप्स FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl में X यहाँ पे क्या है? जहाँ पे आपका X लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं
रिएक्शन में यहाँ पे एक्स लिखा है, इसकी जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे FeCl3 लिखा हुआ है, आखिर ये होता क्या है, FeCl3 को हम क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले आपको जान लेना है, इसको हम कहते क्या है। तो FeCl3 को हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। क्या होता है ये आपका होता है फेरिक क्लोराइड, या आप इसे आयरन ट्राई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है FeCl3 आपका, ये आपका होता है फेरिक क्लोराइड, या आप इसे आयरन ट्राई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, H2O किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका जल का फॉर्मूला होता है, वाटर का होता है, ये आप सबको मालूम है। फिर उसके बाद यहाँ पे X लिखा हुआ है, खाली जगह आपको यहाँ पे दी गई है, इसकी जगह पे हमारा आ क्या सकता है। तो इन सबकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन करने पर हमारा FeCl2 आ रहा है, प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस HCl लिखा हुआ है। तो आखिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाए कि हमें यहाँ पे FeCl2 प्लस H2SO4 मिल जाए, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी SO2। X की जगह हमारा क्या आएगा, X की जगह हमारा यहाँ पे आएगा SO2, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते FeCl3 प्लस H2O, X की जगह हमने क्या लिख दिया, SO2 लिख दिया। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, FeCl2 हो जाएगा, और H2O है, SO2 से इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और SO जो है हमारा वो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2SO4, और प्लस लास्ट में हमारा बचेगा HCl। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा SO2 ही आएगा। आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे S रखेंगे तो H2SO4 तो कभी होने वाला नहीं है, SO4 तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो S तो होने वाला नहीं है। अगर H2S रखेंगे तब भी नहीं होगा, और SO3 तो हो ही नहीं सकता, तो बचा के हमारा SO2 होगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तुरंत आप रिएक्शन करके चेक कर लीजिए, हमने यहाँ पे SO2 को किया तो SO2 हमारा पूरा यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं FeCl3 प्लस H2O ये, और प्लस जहाँ पे X लिखा है उसकी जगह हमने SO2 को रख दिया, और इन सब की रिएक्शन होगी तो FeCl2 हमारा हो जाएगा, और H2O था, इसकी रिएक्शन यहाँ पे होगी तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस HCl आपका सबसे लास्ट में बचेगा। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिएक्शन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको ऐसी एक रिएक्शन दे दी जाती है और वहाँ पे आपको खाली स्थान दे दिया जाता है, यहाँ पे क्या आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया है। एक ही साल दो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, अभी ऊपर भी मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्लोरीन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है SO2 होता है, ठीक है। प्लस रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर रही है, तो क्लोरीन का केमिकल फॉर्मूला हमारा Cl2 होता है। इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे, यानी SO2 प्लस Cl2 गेट्स SO2 Cl2, रिएक्शन करने पर हमारा ये आएगा, हमें क्या मिलेगा, SO2 Cl2 ये हमें मिलेगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए SO2 Cl2 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा SO2 Cl2। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी पूछा जाता है, अभी आगे मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन कराऊंगा उसका आंसर भी यही होगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अभी मैं आगे आपको कराऊंगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपसे कहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हमें किससे करानी है, क्लोरीन से। यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला SO2 प्लस क्लोरीन का हमारा होगा Cl2। इन दोनों की रिएक्शन होगी SO2 प्लस Cl2 गैप्स SO2 प्लस Cl2, ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला याद है, बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसीलिए मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बताते रहता हूँ जिससे आपको याद हो जाए और क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक
एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया है, यानी 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ यहाँ पे सांद्र H2SO4, ऑप्शन बी दिया बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी दिया है बुझा चूना, और ऑप्शन डी दिया है P4O10। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिना बुझा चूना। क्या होता है? अमोनिया को शुष्क करने के लिए हम यूज करते हैं बिना बुझा हुआ चूने का, ठीक है। अब यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना लिखा हुआ है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपका होता है CaO। क्या होता है? CaO होता है। तो आपसे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन जो आपके होंगे वहां पे बिना बुझा हुआ चूना की जगह आपको CaO भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, P4O10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना की जगह आपको इसका केमिकल फॉर्मूला दे देगा कन्फ्यूज करने के लिए, CaO यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों टाइप से आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना तो होता ही है, साथ ही साथ इसका केमिकल फॉर्मूला CaO होता है, इसको भी याद कर लीजिए। अगर दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका उसमें करेक्ट हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है आपका। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NH3। अब NH3 किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? ये होता है अमोनिया का, यानी जो अमोनिया गैस होती है वो वायु से हल्की होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला लिख के दे दिया गैस, ऑप्शन में जितने आपके दिए हुए हैं सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आपको अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे NH3 की जगह आपको अमोनिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती? तो आपकी होती है NH3, यानी अमोनिया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल में अमोनिया गैस, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जल में अमोनिया गैस आखिर क्या होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कम विलेय है, ऑप्शन बी दिया हुआ है अविलेय है, ऑप्शन सी दिया हुआ है विलेय है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अत्यधिक विलेय है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अत्यधिक विलेय है, यानी जो जल में अमोनिया गैस होती है वो अत्यधिक विलेय होती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहां पे क्या दिया हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। तो अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जल में अत्यधिक विलेय गैस कौन सी होती है? आपकी NH3 होती है, यानी अमोनिया होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NH3। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और लिखी हुई है, पहली लाइन पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ है कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है। तो जो आपकी अमोनिया गैस होती है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, ये भी आपको ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो अमोनिया गैस होती है वो लाल लिटमस को नीला कर देती है, ये भी आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा NH3। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है अमोनिया का, यहाँ पे अमोनिया भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आपके क्वेश्चन में जो चेंजेस होते हैं लगभग आपके ऑप्शन में ही चेंजेस होते हैं, ऑप्शन बदल दिए जाते हैं आपके। जैसे NH3 है, यहाँ पे आपको
अमोनिया लिखा हुआ मिल सकता है, अगर अमोनिया लिखा होता तो NH3 लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों टाइप से आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, इसीलिए मैं आपको केमिकल फॉर्मूले बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जब क्लोरीन क्या हो अधिक मात्रा में हो तो NH3 से अभिक्रिया करने से बनता है। अब NH3 आपका अमोनिया है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखा है जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो NH3 से अभिक्रिया करने से बनता है, क्या बनता है आपका, बनेगा ऑप्शन बी यानी NCl3। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी NCl3 बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु को क्षारीय पाइरोगैलोल में प्रवाहित करने में अवशोषित होती है। तो यहाँ पे वायु की बात आई है तो आप ऐसे ही समझ जाइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी O2। अब O2 किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो वायु को क्षारीय पाइरोगैलोल में प्रवाहित करने में अवशोषित कौन सी गैस आपकी अवशोषित होती है, यह आपकी होती है ऑक्सीजन, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, और यह भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय K2Cr2O7। अब यहाँ पे K2Cr2O7 लिखा हुआ है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये आपको याद रखना, क्या होता है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से। तो फिर यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है विलयन रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है SO2 अपचयित हो जाती है, ऑप्शन सी दिया हुआ है हरे रंग का Cr2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे SO4 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, थ्राइस पढ़ेंगे, अगर 2 लिखा होता तो ट्वाइस पढ़ते, लेकिन 3 लिखा है तो थ्राइस पढ़ा जाता है इसको, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है हरे रंग का Cr2SO4 का होल थ्राइस बनता है और विलयन लाल हो जाता है, ये आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरे रंग का Cr2SO4 का होल थ्राइस बनता है। अब यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2SO4 का होल थ्राइस, आखिर ये है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Cr2SO4 का होल थ्राइस आखिर ये होता क्या है। तो ये आपका होता है क्रोमियम सल्फेट, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं क्रोमियम सल्फेट, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि हरे रंग का क्रोमियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ पे पहले ही आपको दे दिया गया कि रंग क्या होगा इसका, हरा होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा यानी हरे रंग का Cr2SO4 का होल थ्राइस यानी क्रोमियम सल्फेट बनता है, ठीक है। और K2Cr2O7 ये आपका क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन व SO2, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्लोरीन व सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया में एक अंतर यह है कि, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जो आपकी Cl2 होती है वो स्थायी रूप से विरंजन करती है, यानी क्लोरीन स्थायी रूप से विरंजन करती है, ठीक है, यही अंतर है, ये आपको ध्यान देना है। क्लोरीन व SO2 की विरंजन क्रिया में एक अंतर क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा जो Cl2 है वो स्थायी रूप से विरंजन करती है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में Cl2 गैस बनाने की विधि। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्रयोगशाला में Cl2 यानी क्लोरीन गैस बनाने की विधि, और यहाँ पे आपको चार रिएक्शंस दी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए यानी KMnO4 प्लस सांद्र HCl। अब यहाँ पे KMnO4 लिखा हुआ है, आखिर ये KMnO4 होता क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है KMnO4 का, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सांद्र HCl। अब ये HCl क्या होता है, HCl को हम क्या बोलते हैं, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या आप इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ, जो आपके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन होता है उसको ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसीलिए हम HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, यह आपको ध्यान देना, ठीक है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी KMnO4 प्लस सांद्र HCl। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपका यहां पे क्या दिया हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए KClO3 को MnO2 उत्प्रेरक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है, यह आपको यहां पे बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह अधिक ताप क्रम पर ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? अधिक ताप क्रम पर ऑक्सीजन देता है, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है H2S कार्य करती है। अब ये H2S होती क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला है। किसका है H2S, किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे कार्य करती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपचायक के रूप में कार्य करती है, ठीक है? H2S किस रूप में कार्य करती है, तो ये आपकी अपचायक के रूप में कार्य करती है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आक्सीकारक लिखा हुआ है, अपचायक आक्सीकारक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको आक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक, ये आपका एक अलग चैप्टर है आपका ऑक्सीकरण, ये आपका एक अलग चैप्टर दिया, इसको मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में ही आपका ये चैप्टर है, तो वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि टॉपिक लेंदी है और वीडियो हमारी लेंदी हो जाएगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। H2S कार्य करती है अपचायक के रूप में, ठीक है? जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण और अपचयन का, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि H2S को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे H2S लिखा हुआ यानी हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए किसका यूज होता है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है? किसका करते हैं, H2SO4 का। अब ये H2SO4 किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ये आप सबको मालूम होगा, ठीक है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, H2S लिखा हुआ, बस आपको ये देखना है H2SO4 कहां पे लिखा है, H2 इसमें भी आ रहा है, H2 इसमें भी आ रहा है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात आएगी तो इसमें H तो आने वाला ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो H2SO4 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जितने कराए हैं, अमोनिया का कराया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का कराया, शुष्क करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि नौसादर को एक परख नली में गर्म करने पर परख नली के मुंह पर रखा लाल लिटमस कागज पहले नीला फिर लाल हो जाता है, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं लाल लिटमस कागज जो है पहले क्या हो रहा है, नीला हो रहा है, फिर उसके बाद लाल हो रहा है,
क्यों की? तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है नौसादर की वाष्प क्षारीय भी है और अम्लीय भी। ऑप्शन बी दिया पहले NH3 फिर HCl गैस निकलती है। ऑप्शन सी दिया पहले Cl2 फिर NH3 गैस निकलती है। ऑप्शन डी दिया हुआ पहले HCl फिर NH3 गैस निकलती है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा है नौसादर को एक परख नली के मुंह पर रखा लाल लिटमस कागज, पहले क्या हो रहा है? लाल से नीला हो रहा है। जो लिटमस पेपर आपका है पहले लाल था लेकिन अब क्या हो जा रहा है? नीला हो जा रहा है। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि कौन सी गैस लाल लिटमस को नीला करती है, कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है, यानी NH3 होती है। तो ऑप्शन में आइए, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले NH3 यानी पहले अमोनिया गैस निकलेगी फिर HCl गैस निकलेगी। कारण आप समझ गए होंगे क्यों। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लाल लिटमस कागज पहले क्या हो रहा है? नीला हो रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कौन सी गैस करती है? NH3 करती है, अमोनिया करती है। तो यानी पहले हमारी NH3 निकलेगी यानी अमोनिया, फिर HCl गैस निकलती है क्योंकि उसके बाद लाल हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पे ही आपका क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है। तो अभी एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि SO2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे SO2 लिखा है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 लिखेंगे, और क्लोरीन जल से क्रिया यानी Cl2 ही आपका होगा। यहाँ पे आपको क्लोरीन का ही केमिकल फॉर्मूला लिखना है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे, इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे, यानी SO2 प्लस Cl2 गिव्स SO2 Cl2, यानी आपका आंसर वही रहेगा जो अभी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन जल से क्रिया लिखी हुई है, और वहाँ पे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी SO2Cl2 वही आपका आंसर होगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे चेंज हुआ है थोड़ा सा बस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी SO2Cl2। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि घरेलू गंधहीन LPG। अब यहाँ पे LPG लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। ये मैंने करीब आपको 6 से 7 बार बताया हुआ है LPG का फुल फॉर्म, तो आशा करता हूँ आपने याद कर लिया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि LPG का फुल फॉर्म होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि घरेलू गंधहीन LPG गैस में एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करने के लिए किस तत्व युक्त रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, यानी कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सल्फर, यानी सल्फर डाला जाता है, यानी घरेलू गंधहीन LPG गैस में एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करने के लिए सल्फर डाला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। कौन सा रासायनिक युक्त पदार्थ डाला जाता है? तो आपका सल्फर डाला जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज जो होता है वो इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इस्पात बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा।
अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला वैज्ञानिक था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों बात एक ही हुई। कैसे हुई? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl को नमक का शत कहने वाला वैज्ञानिक था, ये किसने कहा था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रीस्टले ने कहा था, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl को नमक का शत किसने कहा था? प्रीस्टले ने कहा था। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि NaOH विलयन में SO2 प्रवाहित करने से बनता है। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहां पे रिएक्शन आपसे पूछी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है NaOH। अब ये NaOH होता क्या है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि NaOH विलयन में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन बता देता हूँ, कंप्लीट रिएक्शन आप समझ जाएंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आखिर हमें मिलने क्या वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है NaOH विलयन में SO2 प्रवाहित करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा SO2, ठीक है, और किस विलयन में प्रवाहित करना है? NaOH। तो इसकी रिएक्शन होती है, इसको हम लिखते हैं SO2 प्लस 2NaOH, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, यानी SO2 प्लस 2NaOH गैप्स आपको आखिर मिलेगा क्या यहाँ पे? तो मिलेगा आपको Na2SO3 ये मिलेगा, प्लस H2O ये आपका रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है Na2SO3। तो क्या आपको ऑप्शन में कहीं Na2SO3 लिखा हुआ मिल रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी Na2SO3। अब यहाँ पे Na2SO3 लिखा हुआ है, आखिर ये होता क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड बोलते हैं इसको, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई है, उसकी प्रैक्टिस भी आप जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SO2 गैस के प्रयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसमें आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है SO2 गैस के प्रयोग का, क्योंकि SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, यानी H2SO4 के निर्माण में। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपका यहां पे क्या दिया हुआ है। तो यहां पे आपसे पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे रिएक्शन वाला क्वेश्चन हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर देती है। तो सबसे पहली बात, आपको SO2 किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपका SO2 हो गया, और इसे हमें किस में घोलना है? जल में घोलना है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं जल में। तो प्लस H2O कर देंगे और इनकी रिएक्शन करवा देंगे, यानी SO2 प्लस H2O गैप्स आपको यहां पे मिलेगा क्या? आपको मिलेगा यहां पे H2SO3 मिलेगा यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 लिखा है ना कि 4, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? H2SO3। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, आपको कहीं पे H2SO3 लिखा हुआ मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, H2SO3। अब इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं, और H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे H2SO3 आएगा हमारा, यानी
यानी सल्फ्यूरस अम्ल आएगा आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आपको केमिकल फॉर्मूला याद है तो ये सब रिएक्शन आप आसानी से कर लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड था, SO2 लिख दिया, और प्लस जल में घोल रहे थे यानी एस टू आपका हो गया, इन दोनों की रिएक्शन करा दी, हमें मिल गया एच टू SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका उसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SO2 गैस को अपचायक बनाने के लिए प्रयुक्त ऑक्सी कारक है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ये सब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे पूछा आपसे कि SO2 गैस को अपचायक बनाने के लिए प्रयुक्त ऑक्सी कारक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी KMnO4। अब KMnO4 को हम किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने आज आपको बताया हुआ, इसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप आज के लिए आप इसका आंसर याद कर लीजिए, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन तो वहां पे हम डिटेल में इसको समझेंगे आखिर इसका टॉपिक क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको कहा था कि इस चैप्टर में करीब 50 से 54 क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन यहाँ पे 56 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो टोटल आपके इस चैप्टर में 56 क्वेश्चन दिए हुए थे, इसीलिए हमने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा था, थ्योरी पार्ट भी इसका काफी लेंथी था, ठीक है। और वहां से जितने क्वेश्चन बन रहे थे यहाँ पे मैंने सब ऐड कर दिए हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि क्यों इसका यूज़ होता है, विद्युत बल्ब को भरने में नाइट्रोजन का यूज़ क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग इसलिए की जाती है क्योंकि यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, या वायु से हल्की होती है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी आपका दिया, इसमें बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, तो ये तो कोई रीजन हुआ नहीं। और ऑप्शन डी दिया, या जहरीली नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें होगा, यानी यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, ठीक है। तो कभी कभी आप ऑप्शन देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हमारा क्या करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में जो आपका चैप्टर था इम्पॉर्टेंट गैसेस, ये हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में हमने टोटल 56 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिएक्शंस वाले जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं खासकर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो आपका चैप्टर था इम्पॉर्टेंट गैसेस, ये हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अगर आज के इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।